स्टूडेंट्स, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करना है। स्टूडेंट्स का नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब आप वेव्स का भी जानते हो। वेव्स मींस क्या होता है स्टूडेंट्स? वेव्स मींस मेन मीडियम। जैसे मैं यहाँ पे वाटर से ये वाटर लेके अपन और इसमें अगर मैं स्टोन ड्रॉप करता हूँ ऊपर से, तो वाटर क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। उस पर से अपन क्या बोल सकते हैं कि व्हेन मीडियम इज डिस्टर्ब वेव इज क्रिएट। मतलब वेव कब क्रिएट हो सकती है? जब कोई भी मीडियम डिस्टर्ब होता है। से अगर आपने अपना ब्लैक बोर्ड ही कंसिडर किया, व्हाइट बोर्ड जो कौन से टाइप का फिलहाल सॉलिड, और इसको अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक करता हूँ, तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा? साउंड क्रिएट होगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मीडियम है सॉलिड वो डिस्टर्ब हो रहा है बाय स्ट्रकिंग सम फोर्स, और उससे क्या क्रिएट हो रही है? वेव। और इसी को मैं बोलूंगा वेव्स। अब वेव्स के आगे एक वर्ड लिखा है सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन। मीन्स कॉम्बिनेशन किसका? टू और मोर देन टू वेव्स का, जो अपन सामने देखेंगे। लेकिन आपको वेव्स के दो टाइप्स पता है कि स्टूडेंट्स? फर्स्ट नंबर होता है मैकेनिकल वेव्स और नंबर टू होता है नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स, तो मैकेनिकल वेव्स मतलब क्या? वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम। मतलब अगर किसी वेव को मीडियम की आवश्यकता होती है, उस वेव को अपन क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेव्स। डेफिनेशन क्या होती है फ्रॉम स्टूडेंट्स? ए वेव विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रपोगेशन। मतलब वेव्स को अगर सामने प्रपोगेट होना है, तो जो मीडियम उसको लगेगा, उस मीडियम के अंदर जो वेव क्रिएट होगी, उसी को अपन बोलेंगे मैकेनिकल वेव्स। और इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं साउंड वेव्स। सेम डेफिनेशन है सेकंड पार्ट, इसका नाम है नॉन मैकेनिकल वेव। लेकिन थोड़ा सा चेंजेस क्या होंगे? ए वेव विच नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रपोगेशन। मतलब एक ऐसी वेव जिसमें क्या होगा? मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी प्रपोगेशन के लिए या ट्रांसफर के लिए, उसको क्या बोला जाएगा? नॉन मैकेनिकल वेव्स। और इसका एग्जांपल होगा एक्सरेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस तरह से अपने वेव्स के दो टाइप्स हैं, थे मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। अब मैकेनिकल वेव के अंदर और एक अपन उसका टाइप देख सकते हैं या उसका एग्जांपल देख सकते हैं, जिसका नाम है प्रोग्रेसिव वेव। कौन सी वेव स्टूडेंट्स? प्रोग्रेसिव वेव। अगर अपन प्रोग्रेस का वर्ड का मीनिंग देखा, जैसे प्रोग्रेसिव लिखा है, लेकिन अगर अपन प्रोग्रेसिव का मीनिंग देखा, तो प्रोग्रेसिव मतलब क्या? प्रोग्रेस करना। तो अगर अपन इस पर से थोड़ा सा अपना हिंट ले, तो प्रोग्रेसिव की डेफिनेशन क्या होगी? ए वेव विच इज कंटिन्यूअसली मूविंग इन ए गिवन डायरेक्शन। मतलब अगर एक वेव है जो निकल रही है इस तरह से और एक कंटिन्यूअसली गिवन डायरेक्शन में ट्रेवल होंगी, तो अपन इस वेव को क्या बोल सकते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। या सेकंड डेफिनेशन इसकी और है, ए वेव विच कंटिन्यूअसली ट्रेवल इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। या तो फिर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, या तो फिर और में गिवन डायरेक्शन। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रही है? ट्रेवल हो रही है। इसी को मैं क्या बोलूंगा? प्रोग्रेसिव वेव। डेफिनेशन क्या हो रही है स्टूडेंट? ए वेव विच इज कंटिन्यूअसली मूविंग इन ए गिवन डायरेक्शन और ए वेव विच इज कंटिन्यूअसली मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। समझ गए स्टूडेंट आप लोग? नेक्स्ट टॉपिक में देखिए, अगर मैं सपोज दो वेव्स लेता हूँ, अब यहाँ पर अगर मैं इस लाइन को लेता हूँ, तो ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो स्ट्रेट लाइन को अगर मैं मीन पोजिशन बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ स्टूडेंट्स? मीन पोजिशन। तो जब आप मीन पोजिशन या वेव को या एक स्ट्रिंग को मैं अगर कंसिडर करता हूँ अपने हाथों में, तो उसको दो तरफ से खींचता हूँ, मतलब एक मेरे हाथ से इधर से और दूसरे इधर से, सेमिनर पोर्शन में फिक्स एंड से इसके फिक्स एंड होंगे सपोज, और मैं सेंटर पर क्या करता हूँ, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको फोर्स अप्लाई करता हूँ सेंटर पर, तो वेव क्या होंगी या स्प्रिंग क्या होगा? क्लब होगा या वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट होने से क्या होगा स्टूडेंट्स? इसमें वेव क्रिएट होंगी इस तरह से, तो ये क्या हो जाएंगे? सिंपल
प्रोग्रेसिव वेव जो ट्रैवल हो रही है इन ए गिवन डायरेक्शन। अगर सिमिलर दूसरी वेव ली मैंने और उसको भी सेम प्रोसेस से गुजरा रहा, मतलब वायर को क्या किया, स्ट्रिंग को मैंने प्लग किया सेक्टर पर और वहां पर वायर क्या हो गया वाइब्रेट, तो ये क्या हो गई वन वेव हो गई और ये हो गई सेकेंड वेव। अगर अपन इन दोनों वेव को कंबाइन करेंगे इसका मिक्सअप लेंगे तो ये वेव का फॉर्मूला किस तरह हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस तरह से, मतलब वन वेव कंबाइन विद द अनदर। मींस मैं लिख सकता हूं अगर ये फर्स्ट वेव है और इसको मैं सेकंड वेव में मिक्स करता हूं तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा इस पर। अगर मैं सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, मतलब ये वेव निकल रही है इस तरह से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जिसका डिस्प्लेसमेंट है वाई वन, सिमिलर वेव सामने जा रही है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है वाई टू, जो कौन से डायरेक्शन में हो रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो यहां पर क्या हो जाएगा इनका रिजल्ट वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, जब एक ऐसी है सेम फेज में मूव हो रही है। समझ गए स्टूडेंट, मीन्स फर्स्ट वेव प्लस सेकंड वेव का कॉम्बिनेशन या उसको अपन बोल सकते हैं उनका सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मींस क्या, कॉम्बिनेशन। ये फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट है वाई वन, सेकंड डिस्प्लेसमेंट है वेव का वाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा उनका रिजल्ट है डिस्प्लेसमेंट वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। या अगर आपको वाई वन या वाई टू को या वाई टू रिप्लेस करना है तो आप वहां पर एक्स भी ले सकते हो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू। समझ गए स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं सेम वेव ले रहा हूं स्टूडेंट्स तो ये फर्स्ट वेव मैं कंसिडर करता हूं सामने ट्रैवल हो रही है इसका डिस्प्लेसमेंट है वाई वन और सेकंड वेव को अगर अपन ने इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया मींस इन द अपोजिट फेज इसका डिस्प्लेसमेंट है वाई टू, तो यहां पर क्या लिख रहा है आपको स्टूडेंट्स कि दोनों वेव कैसी है अपोजिट ट्रैवल हो रही है, एक हो रही है अपर डायरेक्शन में और नीचे हो रही है लोअर डायरेक्शन में, तो उनका जो रिजल्ट बन जाएगा कैसा रहेगा वो स्टूडेंट्स इस तरह से, मतलब उनका रिजल्ट निकलेगा नो। क्यों नहीं निकलेगा, क्यों हो रहा है ऐसा नो, क्योंकि दोनों वेव कैसी है अपोजिट इन फेज है। यहां पर आप देख चुके हो कि दोनों वेव कैसी थी सेम फेज में थी, तो उनका रिजल्ट अपन निकाल चुके वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू और इनका रिजल्ट अपन इस तरह भी लिख सकते हैं वाई इक्वल टू y1 minus y2 minus का मीनिंग क्या होगा, ये दो वेव से कैसी है अपोजिट है, मतलब आपने इसको शो किया इस तरह फॉर्म किया तो इस तरह से भी पिक्चर ड्रा हो सकता है। समझ गए स्टूडेंट, ये कब आएगा जब दो वेव कैसी होगी प्रोग्रेसिव वेव इन द सेम फेज में ट्रैवल करेंगी और जब दो प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट फेज में होंगी या तो इस तरह से रिजल्टेंट पैटर्न क्रिएट होगा या तो फिर सिंपल एक लाइन दिखेंगे, क्योंकि क्या करें दोनों एक दूसरे को अपोजिट फेज में, तो उनका पैटर्न रिजल्ट इस तरह भी हो सकता है या तो फिर इस तरह, और इक्वेशन क्या लिखा जाएगा y इक्वल टू y1 माइनस y2। इसको आप वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्यों वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इनको क्या है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ये क्या हो रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही है और वेक्टर की डेफिनेशन आपको पता है स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, सो डायरेक्शन होंगी और साथ में मैग्नीट्यूड होगा उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट वेक्टर। तो उस तरह से अपन क्या किया स्टूडेंट्स मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में इंफॉर्मेशन दी, साथ में प्रोग्रेसिव वेव के बारे में लिखा है और साथ में मैंने आपको बताया कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स सेम फेज या अपोजिट फेज में क्या ऐसा होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे प्रोग्रेसिव वेव के थ्रू स्टेशनरी वेव का, कौन सा स्टूडेंट्स स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव और इसको दूसरा नाम है स्टूडेंट्स स्टैंडिंग वेव। स्टूडेंट आप तो वेव के बारे में जानते हो लेकिन आपको स्टेशनरी और स्टैंडिंग का भी मीनिंग पता है। स्टेशनरी मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो कैसा है कांस्टेंट रूप में है, कांस्टेंट फॉर्म में रुका हुआ है। या स्टैंडिंग का मीनिंग क्या होगा, जो सेम या खड़ा है या एक जगह पर रुका है। तो अगर मैं फिर से एक वेव बनाता हूँ या फॉर्म करता हूँ लेकिन कैसे
लेसेस फ्रंट ऐसे बनाओगे, ये सपोर्ट ले लिया अपन ने दो फिक्स, उसके बीच में मैंने क्या लगाया बच्चों, स्ट्रिंग लगाया स्टूडेंट्स, मैंने अपने हाथों से इस तरह पकड़ लिया एक स्ट्रिंग, और बीच में क्या कर रहा हूँ उसको स्ट्रिंग सेंटर में प्लग कर रहा हूँ, तो मैं क्या होंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्म होंगी, यहाँ पर अपना स्ट्रिंग डिस्टर्ब हो गया वहां पर क्या फॉर्म करेंगे एक प्रोग्रेसिव फ्लो। हमारा पर स्टूडेंट जो कैसे ट्रैवल हो रही है इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और इसके अपोजिट अगर दूसरी फ्लो जाती है तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, सेकंड वर्ड ट्रैवल होगी जो कैसे जा रही है एक्स डायरेक्शन में लेकिन निगेटिव, और जब मैं इसका फॉर्मेशन बनाता हूं या इस तरह से मैं लिख रहा हूं आपको ये क्रॉस क्रॉस, तो इसका मतलब क्या है यहां पर व्यू वाइब्रेट हो रही है, तो ये जो रिजल्टेंट पैटर्न दिख रहा है उसी रिजल्टेंट पैटर्न का नाम क्या है स्टूडेंट स्टेशनरी वेव, तो डेफिनेशन क्या होगी स्टेशनरी वेव की टू प्रोग्रेसिव वेव, क्या बोला है स्टूडेंट फिर से सुनिए, टू प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, मतलब ये वाला एम्पलीट्यूड कैसा है सेम है, सेम एम्पलीट्यूड सेम पीरियड, बट क्या बोला है स्टूडेंट बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है यहां पर अपोजिट वर्ड है अपोजिट, समझे स्टूडेंट आपको क्या होगा स्टेशनरी का मीनिंग, ऐसे व्यू जिसमें क्या होगा सेम एम्पलीट्यूड होगा दो व्यू का सेम टाइम पीरियड रहेगा लेकिन डायरेक्शन के सेम स्टूडेंट्स अपोजिट, उससे क्या फॉर्म होगा स्टेशनरी व्यू या तो फिर स्टैंडिंग व्यू। अब यहाँ पर अगर अपन ने व्यू का रिजल्टेंट पैटर्न लिखा है तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है जहां पर व्यू मीट हो रही है दिख रहा है स्टूडेंट्स, और ऐसे कुछ पॉइंट मिले जहां पर व्यू सेपरेट हो रही है ऐसे ऊपर वाला नीचे वाले, तो स्टूडेंट जहां पर मैं उम्मीद होंगी मीट मतलब जहां पर कंबाइन होंगी उस पॉइंट को मैं बोलूंगा नोड, क्या बोलूंगा स्टूडेंट्स नोड, नोड मीन्स क्या एन मीन्स नोड, और उस टाइम उसकी वैल्यू कैसे रहेंगे मिनिमम, और एंटी नोड बोला है तो क्या होगा सेपरेशन, यहां पर एंटी नोड रहेगा means anti-node, उसकी वैल्यू कैसे रहेंगे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाली, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और इसका कैसे रहेगा नोड का मिनिमम एम्पलीट्यूड, समझा स्टूडेंट आपको क्या बोला यहां पर कि जो दो स्टेशनरी वेव्स है सॉरी दो स्टेशनरी वेव्स नहीं दो प्रोग्रेसिव वेव अगर रिजल्टेंट पैटर्न में फॉर्म होती है या मैशअप या मिक्स होती है कंबाइन होती है तो जो उनका रिजल्टेंट पैटर्न फॉर्म हो रहा है या जो क्रिएट हो रहा है उससे क्या फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट स्टेशनरी वेव या तो फिर स्टैंडिंग वेव, क्योंकि देखो आपको कैसा दिख रहा है स्टूडेंट ये वेव कंबाइन दिख रही है तो रुकी भी दिख रही है, रुकने वाली वेव को अपने क्या बोला है स्टेशनरी या तो फिर स्टैंडिंग, लेकिन आपको इसमें दो पॉइंट दिख रहे हैं बच्चों या स्टूडेंट्स जहां पर व्यू मीट हो रही है मतलब जहां से व्यू मीट हो रही है वहां पर उनका मीटिंग पॉइंट है, इस मीटिंग पॉइंट को मैंने कौन सा नाम दिया स्टूडेंट नोड, जहां पर वैल्यू कैसे रहेंगे उनकी मिनिमम या तो उसको आप जीरो भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स, और दूसरा पॉइंट जहां पर दिख रहा है आपको वो पॉइंट कैसा है स्टूडेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला मतलब वो स्कैटरिंग हो रहा है उनका, और इसी को मैं नाम दे रहा हूं एंटी नोड, और इसी को मैं क्या बोलूंगा स्टूडेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मींस नोड मींस क्या जहां पर वैल्यू कैसे रहेंगे मिनिमम या तो फिर जीरो, और एंटी नोड मींस क्या होगा मैक्सिमम पॉइंट या तो फिर हाईएस्ट पॉइंट का, जीरो और मैक्सिमम कैसे होता है अपन सामने के पॉइंट में देखेंगे, और सामने के लेक्चर में अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टेशनरी वेव के एनालिटिकल मेथड और इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।